जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड के नैमा पंचायत में एक प्रिंसिपल अपने ही छात्रा के साथ गलत हरकत करते सोशल मीडिया पर खूब हो रही है वायरल। मामला क्या है कि आपको हम बताते हैं। मामला है नैमा पंचायत के संत तुलसी उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल शंकर प्रसाद का। इनकी कहानी और इनका वर्णन जितना भी करे वो कम होगा। मामला क्या है कि ये प्रिंसिपल की करतूत यह है कि अपने ही छात्राओं के साथ जो कहा गया है गुरु और चेला की एक गुरु होकर एक छात्राओं का शिक्षा न देकर उसके साथ गलत करते हुए मनमानी करते हुए शिक्षक का करतूत यही है प्रिंसिपल का। ये शंकर प्रसाद है जो आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, ये वही शंकर प्रसाद है जो संत तुलसी उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल था, अब है नहीं। अनेकों लड़कियों के साथ अनेकों छात्राओं के साथ इस प्रकार से उसको दबाव देते थे कि तुम मेरी बात को मानो, हमसे दोस्ती करोगे तो तुम्हें हर शौक पूरा करेंगे, हर चीज देंगे। लेकिन अनेकों लड़कियां दबाव में नहीं आया, कितनी लड़कियां इसके चंगुल में फंस गए और फंस कर अपने आबरू से उसके आबरू से इस शिक्षक प्रिंसिपल खेलता गया। इस प्रिंसिपल को यह समझ में नहीं आया कि जिस बच्ची के साथ हम उसके आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उस उम्र के साथ हमारी बेटी भी है। लेकिन इस प्रिंसिपल को करतूत सुनकर आप भी हैरान हो जाइए। आइए आइए क्या कुछ कह रही है पीड़िता, उसको अभी आपको हम सुनाते हैं। ये देखिए क्लासरूम है और क्लासरूम के बाहर ही एक लड़की है जिसका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है। किसके द्वारा शोषण किया गया है? तुम कौन स्कूल की छात्रा हो? स्कूल का नाम क्या है? हाई स्कूल। कहाँ का? पीतम्बरपुर हाई स्कूल की छात्रा हो, नवम वर्ग की। बताओ तुम्हारा क्या क्या परेशानी है? सर शंकर सर हमको गलत काम किया था, हमको सत्य सुनने के लिए तैयारी था, पापा को गलत काम करने के लिए पापा का झूठ कह दिया ना कि अभी तुमको बेटी स्कूल में अकेले रहती है। जब मैं शंकर सर के शंकर सर की बात कर हम मार खाएंगे घर जाके। अच्छा तुम्हारे साथ मतलब शंकर सर बहुत गलत किए हैं? यस सर। कहाँ पर किए हैं? ऊपर छत पर। अच्छा ऊपर में जो रूम बना हुआ कार्यालय टाइप का उसी में? यस सर। ठीक है, मैंने झूठ मूठ बरगला करके कि तुमको मतलब किसी चीज़ का लाभ देंगे, साइकिल पोशाक ऐसा चीज़ का लाभ देकर देने के बोल करके तुमको ऐसा किया गया है? यस सर। ठीक है, और मतलब कोई भी बात है तो तुमको डरना नहीं है, पूरा बोलेगी तभी तुम्हारा बात को ऊपर लोग सुनेंगे। ठीक है, तो जो भी हुआ है शुरू से लेकर के अभी तक पूरी घटना को आप बता सकते हैं, ठीक है ना? बोलिए। अच्छा, और पैसों ज़्यादा ले लिया ऊपर से। ठीक है, पैसा तो खैर अलग चीज़ है, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका पूरा मतलब बताने से ठीक रहेगा, जैसे कि अभी तुम बता रही थी। ठीक है, खुल के बोलो, तुमको डरने का ज़रूरत नहीं है। छुट्टी के बाद अच्छा
मैंने ये झूठ मूठ का आरोप तुम्हारे पिताजी को मतलब बोला गया तुमको डिमोरलाइज करने के लिए, डराने के लिए। मैंने आज तारीख 1 अगस्त है, आज के पहले भी सर तुम्हारे घर गए हैं शंकर सर, किस कार्य के लिए गए? मैंने झूठ मूठ का सिखाने के लिए गए थे कि मानसिकपुर का लड़का छेड़खानी किया तुम्हारे साथ, जबकि वही तुम्हारे साथ गलत चीज की है। मैंने तुम्हारा स्टेटमेंट अपना बात से तुम मुकरेगी नहीं ना? ठीक है रोशन आर्या मैडम, जब इस बात को संज्ञान में उनके आया तो आनन फानन में उस स्कूल में पहुंचे जिस स्कूल में ये घोर कांड हो रहा था। इस स्कूल के प्रिंसिपल एक स्पेशल रूम बनाया था, उस रूम में जाकर ऐसो आराम की जिंदगी को उन छात्राओं को उस रूम में जबरदस्ती ले जाकर उसके आबरू के साथ खेलता रहा और उस प्रिंसिपल को आज स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि इतना बड़ा कांड प्रिंसिपल के द्वारा किया गया और सिर्फ जहानाबाद के डीओ साहब रोशन आर्या मैडम सिर्फ उसको सस्पेंड किए, ऐसे गंदे प्रिंसिपल को उनको जेल के सलाखों में क्यों नहीं डाला गया? सवाल उठता है कि अगर इतना गलत प्रिंसिपल ने किया, बच्चियों के साथ आबरू के साथ खेलता रहा और उस प्रिंसिपल को स्कूल से घर भेज दिया गया, ये शंकर प्रसाद वही है कि आज से विगत कई वर्ष पहले हमने इसकी आवाज को उठाया था और एक पीतंबरपुर के ग्रामवासी अनिल कुमार ने भी जब इस चीज को उद्भेदन किया था तो ये वही शंकर प्रसाद है कि हमारे ऊपर और अनिल कुमार के ऊपर हरजन एक्ट लगवा दिया था, इसलिए लगाया था कि बिहार से स्कूल में ये प्रेजेंट नहीं हो और हमारे करतूत को उजागर नहीं करे। लेकिन शंकर प्रसाद को ये पता नहीं था कि जब पाप का घड़ा भरता है तो एक न एक दिन ये पाप का घड़ा तो फूटना ही था और आज ये पाप का घड़ा फूट गया और इस विषय पर जहानाबाद के डीओ रोशन आर्या मैडम क्या कुछ कह रही है वो भी आप सुनिए। आपसे मेरी एक विनती है, आप सभी लोग से, ये तो आज से हट जाएगा, ये देखेगा नहीं, कल से यहाँ नजर नहीं आएगा, नजर आएगा तो आप इसको FIR करवा देंगे। नहीं करना है, आप इंश्योर करेंगे कि ये हमारे स्कूल के गेट के अंदर कल से ये एंट्री नहीं करेगा, और इसको करेगा तो इसको सीधे थाना में बंद कर दीजिएगा, समझ गए आप लोग, फुल पावर। दूसरी चीज कि कल से जो आपके नए टीचर हैं सुधीर कुमार सिंह, लेकिन इनको सैटरडे संडे तक फ्री नहीं है क्योंकि ये जनगणना में लगे हैं। आ गए, आइए सुधीर जी आइए। अरे तो सब बेचारे सीधा साधा आदमी है, इसको हम पहचानिए रहे। सुधीर जी कब से आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग है? 15 से। तो ये सुधीर जी हैं, लेकिन संडे तक इनका आपका क्या पोजीशन है, जनगणना वाला, जातीय गणना वाला? करीब करीब हो ही गया होगा जी, मैंने शनिवार तक कम्प्लीट हो जाए, मंडे को ये जो यहाँ पर आए हैं प्रभार नए लेंगे, आप लोग इनका स्वागत कीजिएगा अच्छे से और जो भी है प्रबंध समिति या जो भी है वो गठन करवा के सुचारू रूप से स्कूल का जो भी पैसा है। सुधीर जी बार बार हम लोग लेटर भी दे रहे हैं और हमारे SCS सर का भी है कि जो भी विकास, मैडम एक रिक्वेस्ट मेरा, क्या मतलब ज्यादा बेहतर होता है कि आप बाहर से किन्हीं को भेज देते? करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आपको दे रहे हैं, अभी टेम्पररी हम जा रहे हैं, मदनगंज का लिस्ट देखेंगे, उसके बाद हम किसी को भेजेंगे, फिलहाल आपको हम हैंडओवर कर रहे हैं। सभी हैं आपके, सभी साथ देंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपके आने से पहले आपके बारे में लोग बोल रहे हैं कि आप सीधा आदमी है,
शरीफ आदमी है, ईमानदार है, सब अभी बोले हैं गिरामी हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हद से ज़्यादा हम भी हैं उसी तरह में। तो जी, जी, मेरा डर होता है, सुने जो ईमानदार रहता है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मजबूती रहती है, समझ गए ना जी मैं। तो ईमानदारी की काम कठिन होता है लेकिन वो पराजित नहीं होता है, समझ गए ना, टिकाऊ होती है। हाँ, टिकाऊ होती है, पराजित नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि आपके साथ सारे हमारे ग्रामीण जनता आए हैं, साथ देंगे जी, बच्चे पूरा साथ देंगे जी, और प्रबंध समिति भी बन जाएगी और समिति के लोग यहाँ पर विजिट करेंगे, और जो हमारे पास पैसा है, जो भी पैसा है अभी विकास कोष छात्र कोष, आप लोग को चिट्ठी मिली होगी एस सी एस सरकार कि हमको कितना खर्च करना है नियमानुसार, तो सारी सफाई पहले करवाइए, कहीं पर अगर टूट गया है या बाउंड्री है या माननीय मुखिया जी हैं या कोई भी, आप तक सच न्यूज के लगातार अभियान जो मोदनगंज प्रखंड में नियोजित शिक्षक पर जो माफियाओं का कब्जा है उस पर लगातार स्ट्राइक होता रहेगा, और ऐसे ऐसे गंदे टीचर हो या प्रिंसिपल हो उसका पर्दाफाश होता रहेगा। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।